किसान भाइयों नमस्कार। मालवा फार्म में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। गगन भाई के पास आज की वीडियो बना रहे हैं साहिब डेयरी फार्म पे। सामने जो आप गायें देख पा रहे हो ये सारा स्टॉक इनके पास सेल के लिए अवेलेबल है। क्या रेट की गायें रहेगी, कितने दूध की गायें रहेगी, उसके बारे में ये वीडियो रहेगा। और ये अभी जो गायें हैं ये तो सारी सेल के लिए अवेलेबल है। सामने जो गाड़ी देख पा रहे हो ये आज एक गाड़ी तो यहाँ पर लगी पड़ी है, दो तीन गाड़ियाँ और सामने खड़ी हैं। टोटल तीन चार गाड़ियां लोड होकर जा रही है। एक ही दिन में तीन चार गाड़ियां लोड होना बहुत बड़ी बात होती है। अगर काम जेन्युइन करोगे तो किसान आपके पास गायें खरीदने के लिए खुद ब खुद आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि रेट जेन्युइन होगा, काम जेन्युइन होगा और ब्रीड होगी तो आपके पास किसान आएंगे। आज ब्रीडेड गायें भी इनके पास खड़ी है और किसानों की डिमांड आती रहती थी कि जैसे गुजरात में काफ़ी लोन हुआ है और अभी गुजरात, राजस्थान और यूपी और एमपी चार स्टेट के किसान ज़्यादा आ रहे हैं और वो चाहिए उनको ऐसी क्वालिटी की गायें जो क्रॉस टच में रहती है, तो उनकी डिमांड पे ये भी गायें गगन लेकर आए हैं सेल के लिए, उनका रेट कम रहेगा। गगन के साथ मुलाकात करवाते हैं, आप दिए हुए नंबर पे इनके साथ कॉल कर सकते हो। डिलीवरी इनकी ऑल इंडिया की रहती है, पंजाब में मंडी डबवाली से ये काम करते हैं। गगन नमस्कार भाई। नमस्कार सर। जो तीन गाड़ी जा रही है या चार? सर अपनी टोटल मान चलो चार गाड़ी जा रही है सर, एक गाड़ी में पांच गाय जा रही हैं, दो गाड़ी में जा रही है सर अपनी आठ आठ गाय और एक गाड़ी में जा रही है छह गाय सर। कहाँ कहाँ जा रही है ये सर? महाराष्ट्र में, गुजरात में, एमपी में जा रही है सर, तीन स्टेट में जा रही है सर अपनी। और सेल के लिए कितनी अवेलेबल है? सेल से कम सर अपने पास अभी है आठ नौ गाय सर, उनमें क्रॉस भी लेकर आए, क्रॉस भी लेके आए सर उनमें, क्योंकि सर देखो डिमांड के अकॉर्डिंग जैसे आपको पता है गुजरात में लोन हुआ तो किसान भाई ना थोड़ा रेट पे करते हैं, अभी हमें थोड़ा बजट की गाय चाहिए जो दूध निकाल दे 25 लीटर तक दिन का। जो इधर वाला स्टॉक खड़ा है देख रहा हूँ मैं सारा क्रॉस जी सर, ये सारा क्रॉस किसान भाई क्रॉस है तो आपको क्रॉस कहकर ही बंदा सेल करेगा। गगन ऐसा नहीं है कि इनको ब्रीड में बोल दिया जाए, क्रॉस है तो गगन इनका रेट क्या रहेगा? रेट सर कोई मान के चलो सर 60 की है, कोई 62 की है, कोई 80 की है, कोई 85, ऐसे हिसाब से रेट है। कोई 50-50 वाली है? नहीं सर 50 वाली भी है, अभी वो वाली गाय है सर 62,000 की गाय दी है सर किसान भाई को और 22 लीटर दूध रेडी है उसके नीचे। ठीक है। और ये ब्रीडेड गायें खड़ी है देख रहे हैं, ये तो काफी सुंदर। हाँ, ये तो सर सेल के लिए, ये तो लाख सवा लाख के आसपास, ये तो सर इनके तो कोई मूल्य नहीं है सर वैसे, उसका रेट ही बताएंगे, वीडियो बनाएंगे सर जो सेल के लिए अवेलेबल है या सेल होकर जाएंगी, बट जो आज का जो हमारा वीडियो वो स्पेशल रहने वाला है क्योंकि जो किसान भाई गुजरात से आना चाहता है स्पेशली गुजरात वालों के लिए है, भी उनको ना एक बजट चाहिए होता है भी हाँ जी हमें 60-70 वाली गाय चाहिए, 80 वाली गाय चाहिए, तो वो एक ही जगह पे नहीं मिल पाती है, तो हमारे पास उनके लिए हमने लॉट रेडी करके दिया जो कि 15 दिन के अंदर डिलीवर हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड एमर में गाय है 20 से लेकर 25 लीटर तक की, क्योंकि किसान भाई की डिमांड आ रही थी, मेरे को काफ़ी फ़ोन आ रहे थे गुजरात से भी गगन भाई एक ऐसा लॉट रेडी करो जो एक हमारे लिए रेट भी अच्छा लगे, हमें रेट भी मिल जाए और दूध भी अच्छा निकाल दे, तो उनके लिए ला के दिए क्योंकि उनको हम बताते हैं अभी ब्रीड लो, बट वो उन चीज़ों पर अभी आए नहीं है क्योंकि हर एक बंदे का अलग अलग माइंड सेट होता है, वो उसी हिसाब से बात करता है, तो उनका जो टारगेट है सर मेरे को नहीं पता वो किस हिसाब से बात कर रहे हैं, क्योंकि लोन के हिसाब से कर रहे हैं या कैसे बजट के हिसाब से, तो बट फिर भी हमने उनके लिए एक अच्छा लॉट रेडी करके दिया है जो कि ऐसा नहीं खाली क्रॉस में दूध भी निकालेगा, तो गाय भी चलाकर तो चलाओ जी सामने गाय चलाओ इस गाय को जी सर जी कौन से लोकेशन में? ये तो सर सेकंड है निर्मल भाई, बड़े आराम से 30+ की गाय है ये तो, और दांतों में? दांतों में 6 है निर्मल भाई। ये कितना टाइम पेंडिंग है? ये सर इसका कम से कम 15 दिन पेंडिंग है जी, 15-20 दिन ले जाएगी बड़े आराम से, क्वालिटी वाइज देखिएगा रेट जो फिक्स रहे, ऐसा फिक्स नहीं है ज्यादा 10-15,000 ज्यादा मांग ली फिर कम, नहीं नहीं सर इसका 95 सर फिक्स प्राइस है। पहले तो बछड़ी की क्वालिटी देखिए, हेड लेंथ, स्ट्रेटनेस, बॉडी वेट, अडर की क्वालिटी, अडर की शेप, सभी चीजें, जो लेग एंगल है वो देखिए, ना ज्यादा स्ट्रेट है ना ज्यादा बैंड, आर्डर की जो शेप है वो देखिए, आगे से लेके पीछे तक जो स्टार्टिंग है वो देखिए, ऐसी गाय दूध निकालते, चमड़ी वाइज देख लो बिल्कुल स्किन पतली चमड़ी की है जी, फेस की क्वालिटी देखिए बिल्कुल टॉप क्वालिटी की, फर्स्ट सेकंड नंबर में बच्चा देने वाली गाय, ठीक है ना, तो ऐसे एनिमल आपको हमारे फार्म पे मिलेंगे। किसान भी आर्डर टेस्ट द हाई मिल्किंग वेन देखिए, आर्डर की क्वालिटी देखिए, पीछे का जो ढांचा है वो देखिए कितना शानदार, और आर्डर की स्टार्टिंग देखिए कहाँ से है, तो ये चीज़ें मायना रखती हैं। मैं फिर मैं भाइयों से कहना चाहता हूँ सर देखो 2,000-5,000-10,000 ना देखा करो, चीज़ अच्छी ले जाओ, इतना दूर से आ रहे हो ब्रीड लेके लेने आओ तो ब्रीड लेके जाओ, स्टार्टिंग देखिए कहाँ से, तो इसका एक्चुअल आर्डर जब ये बच्चा देगी ना तब ये प्रॉपर बनेगा, फिर आपको पता लगेगा इसका क्या एट ए टाइम पे इसकी डिलीवरी होगी ना, फिर देखना भी क्या इसका आर्डर बनेगा। कोई और गाय चला दो, वो वाली गाय लेके आओ पहले नंबर पे, हाँ वो वाली कौन सी, ये
ये सेकंड टाइम पर, हाँ ये सेकंड टाइम में निर्मल भाई, और बड़े आराम से दूध निकाल देगी 26-27 लीटर। क्वालिटी वाइज देखो इतनी शानदार, अभी इसके भी कम से कम 7 to 10 डेज पेंडिंग है। बहुत अच्छी क्वालिटी की गाय का जो डिज़ाइन है, गाय का जो स्ट्रेटनेस है, स्किन कोट वाइज, शाइनिंग वाइज, फेस की क्वालिटी, रेट बहुत अच्छी है। रेट सर इसका 85 सर। देखिए क्वालिटी देखिए इतनी शानदार है, आर्डर की शेप, आर्डर की क्वालिटी, सभी चीज़ें देखिए। फिर आप जो भी किसान भी आना चाहता है निश्चिंत होकर आ सकता है सर, साहिब डेयरी फार्म पे वेलकम है। बड़े आराम से 26-27 लीटर दूध निकालेगी। बॉडी वेट वाइज लगा लो, मजबूती वाइज लगा लो, फेस की क्वालिटी देखो, सभी चीज़ें मायना रखती हैं सर। देखो गाय के अंदर बॉडी वेट होगा, पाँव में जान होगी, अच्छा स्ट्रक्चर होगा, उसमें करेक्टर होंगे तो उसने दूध निकालना है। आंचल देखिए कितने शानदार हैं, अच्छे गैप पे लगे हैं, हाई अटैच्ड आर्डर, अटैच्ड हाई मिल्किंग वेन देखिए। अभी कच्चे, जब इसका एक्चुअल आर्डर रेडी होगा फिर आप देखना इसकी क्या कंडीशन होगी एट ए टाइम पे जब डिलीवरी देगी। तो मैं किसानों से भी कहना चाहता हूँ सर, देखो जो किसान भाई का बजट ऐसा होता है ना सर, मैं ये कहता हूँ कि सर 2-4-5-10 हज़ार रुपये थोड़ा ज़्यादा इंप्रूव कर लेंगे ना, तो उनको एक अच्छी ब्रीड मिलने के चांसेस होते हैं, जो कि एक अच्छा दूध भी देगी और अच्छे बच्चे भी देगी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि ऐसा नहीं है हम खाली गाय सेल करने के लिए वीडियो डालते हैं, जो किसानों के लायक बातें होती हैं हम वो भी चीज़ बताते हैं। किसानों ने माननी है, हमारी चीज़ को फॉलो करना है, वो चीज़ किसान के ऊपर डिपेंड करता है वो किस हिसाब से हमारी बातों को ले रहे हैं। बट हम जो भी चीज़ बोलेंगे किसानों के फायदे के लिए बोलेंगे, किसानों के हक के लिए बोलेंगे, ऐसा नहीं है अभी यूं ही बोली जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि किसान भी देखो हर एक बंदे का मेहनत का पैसा है, मेहनत का पैसा फजूल ना जाए, बस हमारा ये टारगेट है। क्रॉस गाय चला दो कोई पहले, वो क्रॉस गाय लेके आओ, इनमें से कोई ब्रीडेड बाद में चला लेंगे, कोई ले आओ 60-70 के बीच में हो जाओ, अभी रेट जिसका 60-70 हज़ार हो। हाँ ये वाली फर्स्ट टाइमर ले आओ, ये साइड खड़ी है, हाँ ये वाली। ये कौन से इलेक्ट्रिशियन में जो लेकर फर्स्ट टाइमर में टूटी था सर, फर्स्ट में एक महीना पड़ा इसका बछड़ी की। और रेट भी सर, रेट बड़े आराम से 20+ निकाल देगी अभी इसका 1 मंथ। कितने में सेल करोगे ये सर? हम करेंगे 60 हज़ार में। पहले क्वालिटी देखिए क्रॉस की भी, ऐसा नहीं है भी क्रॉस लेते तो यूं ही ले ली। एमपी, राजस्थान और गुजरात है जी सर, ये चार स्टेट में ऐसी गाय जाती है। ये फर्स्ट टाइमर बछड़ी है सर, आर्डर की क्वालिटी देखिए, अभी 1 मंथ पेंडिंग है बछड़ी का। देखिए पूरी ऐसा शाइनिंग वाली गाय है, जान वाली गाय है, फर्स्ट टाइमर बछड़ी है अभी। देखिए 60 हज़ार में मात्र, क्योंकि सर देखो बात जब आए थे ना, हम क्रॉस गाय भी लेते हैं तो उसमें करेक्टर देखते हैं। देखो किसान भी की डिमांड आ रही थी इसलिए हमने उनके ऊपर क्रॉस के ऊपर वीडियो बनाई। आपको पता हमारी 2-2 लाख 3-3 लाख वाली गाय नॉर्मल जाती हैं अदर स्टेटों में, हम ब्रीड को प्रवोक करते हैं और ब्रीड के लिए काम करते हैं, बट किसानों की डिमांड आ रही थी तो किसान भी ने बनाया है, तो किसानों की बात सुनना भी हमारा हक है। तो किसान भी ये क्रॉस पे गाय है, फर्स्ट टाइमर बछड़ी है, कैसी लगी उसके बारे में मेरे को बताना ये, ठीक है ना। क्योंकि मेरा टारगेट है किसानों को आगे लेके आना, चाहे वो सर गाय एक बार पशुपालक हैं, जो भी पशुपालक भाई हैं उन्होंने नया काम स्टार्ट किया है। देखो हर एक बंदा आगे जाने के लिए करता है, कह देते हैं अभी सक्सेस की तरफ जाने के लिए करता है काम स्टार्ट, बट वो कई रीज़न बन जाते हैं, या तो किसान की गलती लगा लो या फिर उनकी थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग लगा दो भी, जिसकी वजह से नुकसान वो खुद झेलता है। बट अदरवाइज आपको पता, अगर आप केयर अच्छी कर रहे हो, अच्छी फीडिंग दे रहे हो, अच्छा मैनेजमेंट दे रहे हो, ब्रीड आपके पास अच्छी है, तो आप कभी लॉस में नहीं जाओगे, मैं लिख के देता हूँ, ठीक है ना। वो तो बाद में बहाने होते हैं, ये तो ये हो गया वो हो गया, अगर आपने केयर की होती तो वो चीज़ें नहीं होती। क्योंकि जब बीमारी का समय पे इलाज नहीं होता ना, बीमारी बढ़ती बढ़ती चली जाती है, तब जाके गाय को दिक्कत आती है। अदरवाइज अगर गाय का, बछड़ी का या बीमारी का किसी भी समय पे सही समय पे इलाज हो जाता ना, वो प्रॉपर कह देते हैं अभी वो एक लाइन पे आ जाती है, कवर हो जाती है। ऐसी बात नहीं है अभी कोई बीमारी का सलूशन नहीं होता है, सभी चीज़ों का सलूशन है, बट आपकी देख रेख चाहिए। आप फार्म में जाओ 1-2 घंटा उसमें देखो गाय का पेशाब कैसा आ रहा है, गोबर कैसा आ रहा है, जो गोबर आ रहा है वो हार्ड तो नहीं है, जहाँ लूज तो नहीं है, जहाँ उसमें डाइजेस्ट तो नहीं हो रहा है। जैसे मान के चलो कभी कभार होता है उसमें जो खाई खाती है, सैलेज खाती है, वो भी बाहर आ जाता है उसके साथ, तो वो चीज़ों की चेक करो। गाय का पीएच लेवल का इशू बन जाता है, ठीक है ना, भी पीएच गाय का डाउन हो गया या बढ़ जाता है, उन चीज़ों के ऊपर सर आप ध्यान दोगे तो आपकी गाय कभी भी बीमार नहीं पड़ेगी, कभी भी आपका फार्म लॉस में नहीं जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा फॉलो करना, ठीक है, क्योंकि हमारा जो काम है गाय सेल परचेजिंग का भी है, दूध का भी है, बट जितनी जानकारी हमें है, जो जिस एक्सपीरियंस से हम गुजर रहे हैं, जो चीज़ें हमने अपनी आंखों से देखी हैं और उन चीज़ों को कवर किया है, तो वो चीज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। आप भी इन चीज़ों को थोड़ा, क्योंकि एक तो होता है बंदा खाली मैज बातें वाला होता है, भी हाँ जी मैं फार्मिंग स्टार्ट करूँगा, खाली सोच होती है, थिंक होती है, बट करता कुछ नहीं है। कोई भी काम लगा लो, चाहे वो कोई भी पर्सन है, खाली सोच रहा है किसी भी धंधे में। हमारे अगर कोई धंधा करोगे ना, उसमें घुसोगे
प्रॉफिट भी होगा, आपको लॉस भी होगा, आपको पता लगेगा हाँ जी किस वजह से लॉस हुआ, किस वजह से हमें प्रॉफिट हो रहा है, फिर जाके आप सही लाइन पे आओगे, फिर जाके आपने अपनी कमियां दूर करनी है, फिर जाके आपने अपनी कमी पे कह देते हैं अभी ध्यान देना है, ठीक है ना। जो आपकी कमी होती है ना वही आपका एक कह देते हैं अभी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनती है जब आप उस पर फोकस करोगे। तो धन्यवाद किसान भाइयों इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है सर, गगन साहब डेयरी फार्म आपका ऑलवेज आपके साथ है जी। किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए या गाय चाहिए तो निश्चिंत तो करा सकते हो हमारे फार्म पे। थैंक यू।